हेलो गाइज, दिस साइड अंकित एंड वेलकम इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में गाइज आप सब देख पा रहे हैं ट्रेनिंग ड्यूरिंग सीएमए कोर्स। सीएमए कोर्स के दौरान कौन कौन सी ट्रेनिंग हम सबको करनी होती है उनके बारे में आज अपन बात करेंगे। यहां पर दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं स्किल ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग, तीन तरीके की अपन को दिखाई गई है। लेकिन यहां पर अपन बात करेंगे स्किल ट्रेनिंग की। हाल ही में जिन दोस्तों ने फाउंडेशन पास किया है उनको स्किल ट्रेनिंग के दौरान ज़्यादा दिक्कत आ रही है। वो बोल रहे हैं हम जून अटैम्प्ट में अपना एग्जाम दे पाएंगे या फिर नहीं दे पाएंगे, तो दोस्तों उन सब क्वेश्चंस के आपको जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, साथ ही अपने उन स्टूडेंट्स के साथ भी या फिर अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो आपके साथ ही इंटरमीडिएट का एग्जाम देने वाले हैं। तो यहाँ पर अपन इनके सारे डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं, साथ ही उसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे सीएमए यूनिटी इंस्टाग्राम पेज का लिंक मिल जाएगा जो आप ज्वाइन करके हमसे पूछ सकते हैं। हम डायरेक्ट आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो दोस्तों वो आपको लिंक मिल जाएगा और उसके साथ ही यहाँ पर अपन अब बात करते हैं स्किल ट्रेनिंग की। क्या क्या अपन देखने वाले हैं सबसे पहले वो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों अपन देखेंगे क्या होता है स्किल ट्रेनिंग, इसके बेनिफिट्स क्या क्या होती है, इसको अपन को करना चाहिए या फिर यूँ भी काम चल जाएगा, किन किन को करना चाहिए, कौन कौन इनको कर सकता है, वो अपन यहाँ पर क्वेश्चन देख लेंगे। उसके बाद ही अपन को कब करना होता है, कैसे अपन को पता लगेगा कि अपन को शेप ट्रेनिंग अभी करनी है, उसके साथ ही अपन कहाँ से इसको लॉगिन करेंगे, अपन को लॉगिन पासवर्ड क्या मिलेगा, कितने दिन तक अपन इसको एक्सेस कर पाएंगे, उसके साथ ही इसका मॉड्यूल क्या होगा, इसका कंटेंट क्या होगा, क्या क्या अपन इसमें पढ़ने वाले हैं, इसकी एग्ज़ाम कब लगेगी, कितने मार्क्स अपन को लाने होते हैं, या फिर उसी के साथ अपन बात करें अगर अपना एग्ज़ाम पास नहीं हो पाया तो अपन क्या करेंगे, इन सब की बात दोस्तों इस वीडियो में अपन कर लेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है लेकिन मेरा अनुमान यहाँ पर ये रहेगा अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं उसके बाद आपको शायद स्किल ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई भी अदर क्वेश्चन नहीं बन पाएगा जो आपको पूछने की नीड पड़ेगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है देन आप हमें इंस्टाग्राम पर या फिर यहाँ पर कॉमेंट करके बता सकते हैं, हम जरूर आपको रिप्लाई देंगे। अब चलिए दोस्तों अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना क्वेश्चन आता है व्हाट इज स्किल ट्रेनिंग। ये दोस्तों हमने जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट कर रखे हैं। पूरी पीडीएफ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, जो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा देंगे या फिर आपको इसका लिंक भी दे देंगे जहां से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पर जो दोस्तों इंपॉर्टेंट है उन्हीं को अपन देखेंगे, अदरवाइज तो अपना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और उसको आप देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। तो मैं आपको शॉर्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको तो छोड़ूंगा नहीं और जो अदरवाइज है उनको अपन यहाँ पर नहीं देखेंगे। तो चलिए सबसे पहला जो अपना है व्हाट इज स्किल ट्रेनिंग, इसमें अपन बात करते हैं। ये देखिए आप गेन द नॉलेज एंड एबिलिटीज, उसी के साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आपकी बढ़ जाती हैं, इसके लिए आपको स्किल ट्रेनिंग कोर्स करवाया जाता है। ये तो दोस्तों नॉर्मल सी बात थी, यहाँ पर जो मेन डाउट है वो आप सबका लगता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपना आता है व्हाई द इंस्टीट्यूट हैज इंट्रोड्यूस्ड न्यू स्किल ट्रेनिंग स्कीम। तो यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट है वो मानता है अपनी प्रोफेशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और यहाँ आपको चार तरीके के कोर्स करवाए जाते हैं। जो आपकी सेल्फ ट्रेनिंग होती है ना उसमें चार कोर्स होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो आपका होता है सेल्फ फाइनेंस पावर यूजर ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। सेकेंड आपका होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। थर्ड आपका होता है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। और फोर्थ आपका होता है ई फाइलिंग ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। ये चार तरीके के कोर्स दोस्तों आपको सेप ट्रेनिंग के दौरान करने को मिलते हैं और यहाँ पर ये उन स्टूडेंट्स के लिए है दोस्तों जहाँ अपन ने बात की थी कि कौन कौन स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल है। तो जो अगस्त, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर डेट दी गई है अगस्त 2020 बैच ऑनवर्ड्स, जिन्होंने अगस्त 2020 के बाद में रजिस्ट्रेशन करवाया है वही स्टूडेंट्स इस ट्रेनिंग को कर सकते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हाईलाइट है, इसको आप देख सकते हैं। अगर इससे पहले आपका रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है तो आपको सब ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ेगी, अगर इसके बाद आपका करवाया हुआ है तो आपको जरूर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ स्किल ट्रेनिंग। स्किल ट्रेनिंग में अपन को, मैंने अभी आपको बताया चार कोर्स ये पढ़ाए जाते हैं, चार जो आपके कोर्स आप बोल सकते हैं। पहला होता है सेल्फ फाइनेंशियल पावर यूजर ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, जो आपका सेल्फ लर्निंग हब के द्वारा 60 आवर्स का आपका कोर्स होता है। सेकंड आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का होता है ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, जो आपका 40 आवर्स का होता है। थर्ड आपका होता है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, यहाँ पर दोस्तों आपको मैनेजिंग स्किल्स वगैरह कुछ सिखाई जाती हैं, तो ये आपका 20 आवर्स का होता है। और फोर्थ आपका ई फाइलिंग
ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन होता है जो भी आपका 20 हॉर्स का होता है। अगर टोटल की आप बात करते हैं तो ये आपका 140 हॉर्स का टोटल कोर्स होता है जो आपको करना होता है। नेक्स्ट अपन यहाँ पर देखेंगे व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ स्किल ट्रेनिंग मॉडल्स। स्किल ट्रेनिंग मॉडल के क्या क्या अपने बेनिफिट्स होने वाले हैं तो आप ये देख सकते हैं, लर्न फ्रॉम एनीवेयर एज यू विश, कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनी एनवायरनमेंट, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल। ये दोस्तों आपको इसके सारे के सारे बेनिफिट दिए गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या यूनिवर्सल यूजेज, यानी कि जहां भी आप काम करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको जरूर आना चाहिए। थर्ड, आपको ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये आपको बताएगा फ्लेक्सिबल लर्निंग, ई फाइलिंग में आपको यहाँ पर ITR वगैरह वो सब बताए जाते हैं। ये दोस्तों आपको बेनिफिट बताए जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। मेन जो अपने क्वेश्चन हैं उनको अपन ध्यान में रखेंगे यहाँ पर। फिफ्थ जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाट आर कंटेंट ऑफ स्किल ट्रेनिंग मॉड्यूल्स। इसका क्या क्या कंटेंट रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है जो आपको यहाँ पर दिया गया है, जिसको आप कंप्लीट देख सकते हैं। हम दोस्तों आपको ये पूरी पूरी PDF टेलीग्राम पेज में प्रोवाइड करवा देंगे जहाँ से आप कंप्लीट इसको देख सकते हैं। मेन जो अपने क्वेश्चन हैं वो दोस्तों अभी आएंगे, जिसमें अपन को खास ध्यान रखना होता है वो अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन यहाँ पर आता है वो आता है हु आर एलिजिबल फॉर स्किल ट्रेनिंग। तो दोस्तों स्किल ट्रेनिंग के लिए आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट होने चाहिए और इंटरमीडिएट में भी आपकी पूरी फीस यानी कि कंप्लीट फीस आपकी जमा होनी चाहिए और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 11th अगस्त 2020 के बाद में होना चाहिए। अगर आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही ओनली जमा है तो आप दोस्तों स्किल ट्रेनिंग नहीं कर सकते, आपकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी पूरी जमा होनी चाहिए, उसके बाद ही आप स्किल ट्रेनिंग कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, इज स्किल ट्रेनिंग मैंडेटरी। यस, बिल्कुल स्किल ट्रेनिंग मैंडेटरी है, आपको ज़रूर ज़रूर करनी पड़ेगी। तो ये दोस्तों बिल्कुल ना सोचते कि हम स्किल ट्रेनिंग बिना किए अपना एग्ज़ाम दे देंगे, लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों ये रहती है जो आपको मैं पहले ही बता देता हूँ। अगर दोस्तों आप अपना फर्स्ट ग्रुप देना चाहते हैं यानी कि इंटरमीडिएट में अपना ग्रुप फर्स्ट देना चाहते हैं तब आपको स्किल ट्रेनिंग की नीड नहीं होती, तब आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन जब आप अपना सेकंड ग्रुप देंगे उस टाइम आपको स्किल ट्रेनिंग की ज़रूर ज़रूर नीड पड़ती है, यानी कि आपको स्किल ट्रेनिंग ज़रूर करनी होती है, उसके बाद ही आप बोथ ग्रुप के लिए एलिजिबल होते हैं। और अगर आप बोथ ग्रुप देते हैं यानी कि आप दोनों ग्रुप एक साथ दे रहे हैं तो दोस्तों आपको ऑब्वियसली करनी ही पड़ेगी स्किल ट्रेनिंग पहले, जो आपका 140 आवर्स आप इसको मान सकते हैं, एक अपना एक्स्ट्रा सिलेबस यानी कि एक अपनी एक्स्ट्रा बुक भी आप इसको मान सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको ज़रूर ज़रूर करनी होती है, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट होती है नेक्स्ट यानी कि सेकंड ग्रुप के लिए। तो आपको सेकंड ग्रुप से पहले आपको ज़रूर करनी होती है, उससे पहला जो अपना ग्रुप होता है वो आप यूँ भी दे सकते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है, इज देयर एनी एग्जम्पशन सेम फॉर स्किल ट्रेनिंग। तो यहाँ पर दोस्तों किसी तरीके का एग्जम्पशन नहीं है, नो एग्जम्पशन, आपको ज़रूर करनी होती है ये। नेक्स्ट दोस्तों अपना आता है, व्हाट विल बी द मॉडलिटीज ऑफ स्किल ट्रेनिंग। तो यहाँ पर आपका 140 हाउस का ई लर्निंग कोर्स होने वाला है और यहाँ पर आपको शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन लाइव स्किल ट्रेनिंग सेशंस इन कन्वीनियंट टाइम विल बी अनाउंसड इन एडवांस। आपको पहले टाइम बता दिया जाएगा लाइव क्लासेज का और उसी के साथ ऑनलाइन लिंक फॉर स्किल ट्रेनिंग सेशन विल बी एक्टिवेटेड 60 मिनट बिफोर द शेड्यूल टाइम। यानी कि जो आपकी लिंक होती है वो 60 मिनट बिफोर आपकी लाइव हो जाती है यानी कि एक्टिवेट हो जाती है, उसके पहले आप उसको एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे, आप उसको नहीं देख पाएंगे। तो ये दोस्तों इसमें दी गई है, हालांकि जब आपको इसका नोटिफिकेशन आता है उसमें भी ये आपको सारे रूल्स मिल जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन मेन आता है वो आता है, व्हाट विल बी सिस्टम रिक्वायरमेंट। सिस्टम की रिक्वायरमेंट जहां तक दोस्तों आप बात करते हैं तो आपका एक डिसेंट सा नेटवर्क होना चाहिए और उसी के साथ आप मोबाइल, टैबलेट, डेस्कटॉप, लैपटॉप कहीं से भी आप इसको कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपके पास कंप्यूटर या फिर लैपटॉप ही हो, आप मोबाइल फ़ोन से भी इसको कर सकते हैं। इज अटेंडेंस मैंडेटरी स्किल ट्रेनिंग सेशन। तो दोस्तों बिल्कुल आपकी अटेंडेंस मैंडेटरी है यहाँ पर, आपको स्किल ट्रेनिंग के दौरान ये देखे दोस्तों मॉनिटरेड एंड रिकॉर्डेड बाई DOS। तो यहाँ पर आपकी बिल्कुल जो आपकी अटेंडेंस है वो मैंडेटरी है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो आता है वो आता है, हाउ लॉन्ग स्टूडेंट्स विल बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू अटेंड लाइव ऑनलाइन क्लासेज। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिया गया है, एक्सेस टू ऑनलाइन लाइव स्किल ट्रेनिंग क्लासेज विल बी अलाउडेड फॉर वन टर्म ओनली। However, if students miss out online live skill training classes arranged for June term for some genuine reason, they will get another opportunity in December term. यानी कि आप किसी अपने जेन्युइन कारण के कारण अटेंड नहीं कर पाए तो आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी दिसंबर टाइम में दे दी जाती है, ये कोई खास इशू नहीं बनता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका आता है यहाँ पर, हाउ द स्टूडेंट्स विल बी एक्सेस्ड आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ द ट्रेनिंग। तो यहाँ पर आपका असेसमेंट उसके बाद होता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, हाउ द असेसमेंट टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर स्किल ट्रेनिंग। तो असेसमेंट टेस्ट आपका मैंडेटरी है, असेसमेंट टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड में आपका कंडक्ट होगा, उसी के साथ आपका स्लॉट फॉर ऑनलाइन असेसमेंट विल बी अनाउंस्ड इन एडवांस। MCQ बेस्ड आपके क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगा नहीं।
टोटल आपका 2 hours का पेपर होने वाला है, जो टोटल 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 50 सैप का होगा, माइक्रोसॉफ्ट 30 का होगा और ई फिलिंग आपका 20 का होगा। नेक्स्ट जो आपका होता है, व्हाट इज़ द मिनिमम पासेज परसेंटेज रिक्वायर्ड टू द ऑप्टेन टू क्वालिफाई स्किल ट्रेनिंग असेसमेंट, तो आपका 50% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। उसी के साथ आपका हाउ मेनी अटेम्प्ट स्टूडेंट विल गेट टू क्लियर स्किल ट्रेनिंग असेसमेंट टेस्ट, तो आपको 3 attempts मिलने वाले हैं स्किल ट्रेनिंग को आपको कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर दोस्तों बात यह आ जाती है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यूँ डरे रहते हैं कि स्किल ट्रेनिंग में मान लीजिए हमने 3 attempts में भी पास नहीं किया, क्या उसके बाद हम CMA कोर्स नहीं कर पाएंगे, यानी कि अपना अटैम्प्ट नहीं दे पाएंगे? तो बिल्कुल दोस्तों, उसको आप दे सकते हैं। उसके बाद आपके शुरू से 3 attempts जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको वापस से करनी पड़ेगी अपनी स्किल ट्रेनिंग। 140 hours की आपको अटेंडेंस देनी होती है और उसके बाद आप वापस अपना एग्जाम दे पाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो दोस्तों अपना आता है, विल स्टूडेंट्स गेट सर्टिफिकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग, तो बिल्कुल आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला है। हाउ लॉन्ग स्टूडेंट्स कैन हैव एक्सेस इन स्किल ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, तो ये दोस्तों आपको देख सकते हैं, अवेलेबल फॉर एट लीस्ट 10 मंथ तक आप एक्सेस कर पाएंगे। इज देयर एनी एडिशनल कॉस्ट इन्वॉल्व इन हैविंग एक्सेस टू स्किल ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, तो यहाँ पर इनका आंसर है नो, देयर इज नॉट एडिशनल कॉस्ट इन्वॉल्व इन हैविंग एक्सेस टू वर्ल्ड क्लास स्किल ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, सेल ए स्टूडेंट बी एलिजिबल टू गेट स्किल ट्रेनिंग मटेरियल, येस ऑनलाइन कोर्स मटेरियल इज अवेलेबल थ्रू सैप ट्रेनिंग हब के द्वारा आपको ऑनलाइन मटेरियल मिल जाएगा। इज स्किल ट्रेनिंग कनेक्टेड विद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, तो बिल्कुल दोस्तों एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से बिल्कुल कनेक्टेड है। और यहाँ पर लास्ट जो आपको दिया गया है, हाउ कैन वी रीच द इंस्टीट्यूट टू रिसोल्व एनी इशू अबाउट स्किल ट्रेनिंग, अगर आपको स्किल ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई भी इशू रहता है, तो आपको यहाँ पर कुछ दोस्तों ईमेल दी गई हैं, ये आप इन पर डायरेक्ट मेल डाल सकते हैं, जो आपको बिल्कुल मेल का रिप्लाई आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी रहती हैं कि किसी को लिंक नहीं आता, कोई ओपन नहीं कर पाता, हालांकि आपको सैप ट्रेनिंग चालू कैसे करना है, कैसे आप स्टार्ट कर पाओगे, कैसे लॉगिन कर पाओगे, उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, अगर पॉसिबल हो पाए तो आपको जरूर देखने को मिलेगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही दोस्तों CMA से रिलेटेड अपडेट हम डायरेक्ट डालते रहते हैं, जो हमारे इंस्टाग्राम पेज है CMA यूनिटी, वहाँ पर, तो जिसको आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर CMA.unity, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए, जरूर ही आपको सारे अपडेट मिलते रहेंगे। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों से। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।